हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं टंग यानी जीभ की संरचना के बारे में। और ये स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का एसेसरी ऑर्गन बनाता है। ना केवल ये पाचन तंत्र में मदद करता है बल्कि ये सेंसरी ऑर्गन में से भी एक होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर 5 होते हैं उनमें से एक सेंसरी ऑर्गन टंग होती है। सो, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो टंग है उसकी बनावट क्या होती है, उसमें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो, टंग जो है ये स्केलेटल मसल फाइबर से मेनली मिलके बना हुआ है जो कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और हमारी माउथ के अंदर ये फ्लोर पार्ट को बनाने में मदद करती है। स्केलेटल मसल जो कि जिसके ऊपर की वॉलंटरी कंट्रोल होता है हमारा, यानी जब चाहे हम उसे मूव कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते हैं तो हम उसे नहीं कर सकते हैं। सो, स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होती है वो टंग को फॉर्म करती हैं। एंड यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं टंग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे आगे जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फ्री होता है, दैट इज टिप और अपेक्स। मेजरली दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। एंड पीछे का जो पार्ट होता है ये कहलाता है रूट, जहाँ से कि यूजुअली टंग अटैच होती है। ओके, क्योंकि आगे वाला हिस्सा हम जानते हैं कि फ्री है, मीन्स इट इज़ नॉट अटैच विथ एनीथिंग। ओके, सो इजिली ये मूव कर सकता है, बट पोस्टरली इट इज अटैच विथ सम स्ट्रक्चर्स। ओके, तो यहाँ पे जो इसका अपर सरफेस है, मीन्स जैसे कि अगर हम मिरर में देखते हैं और हम अपनी टंग को पुल करते हैं तो जो पोर्शन हमें दिखाई देता है वो कहलाता है अपर सरफेस या फिर डॉर्सम। ओके, सो दिस इज द डॉर्सम। और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो है इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर मीन्स जो कि डायरेक्टली फ्लोर से अटैच्ड है। ओके, जो इन्फीरियर सरफेस होती है इस टंग की वो एक म्यूकोजल फोल्ड के जरिए टंग को फ्लोर ऑफ माउथ के साथ अटैच करने में मदद करती है, जिसे बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्युलम। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो होल डॉर्सम है और जो अपर सरफेस है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एंटीरियर आगे का जो 2/3 पार्ट है इसे कहते हैं ओरल पार्ट, दिस इज द ओरल पार्ट। और पीछे का जो पार्ट होता है 1/3 वो है फेरेंजियल पार्ट। ओके, एंड इन दोनों को डिवाइड करती है वी शेप्ड ग्रोव, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि लैटरली और फॉरवर्ड रन करती हैं, जिसे बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। एंड ये सल्कस टर्मिनालिस जिस मिडिल पॉइंट पे मिलती है ये अपेक्स कहलाता है फोरामेन सीकम। ओके, सो सल्कस टर्मिनालिस ओरल पार्ट को फेरेंजियल पार्ट से डिवाइड करती है इन द डॉर्सम सरफेस। ओके, बट यहाँ पे जो होल टंग होती है हमारी ये एक फाइब्रस सेप्टा, दिस इज द फाइब्रस सेप्टा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दिस इज द मीडियल सेप्टम और द सल्कस जो कि फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इसके जरिए टंग 2 पार्ट में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट। एंड राइट एंड लेफ्ट जो ये है दीज स्ट्रक्चर्स आर सिमेट्रिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। ओके, नाउ यहाँ पे जो ओरल पार्ट होता है इसका जो ये लैटरल एस्पेक्ट है ये हमारे टीथ और गम से कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में होता है। और जब हमारी टंग यूज में नहीं होती है तो इसका जो ये एंटीरियर टिप पार्ट है ये हमारे अपर इंसिजर्स के जस्ट पीछे की ओर रेस्ट करता है, यानी जब हमारा माउथ क्लोज होता है तो टंग का टिप कहाँ होता है, जस्ट पोस्टीरियर टू द अपर इंसिजर्स। यस, तो यहाँ पे जो ये होल ओरल पार्ट है ये ओरल पार्ट म्यूकोजा से कवर्ड होता है। एंड यहाँ पे जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसके अंदर कई पैपिलास और कई प्रोजेक्शंस होते हैं जो हमारी टंग को रफनेस देते हैं। ओके, बट पोस्टीरियर टू सल्कस टर्मिनालिस इसके पीछे जो फेरेंजियल पार्ट है इसमें पैपिलास नहीं होते हैं। यहाँ पे पैपिलास के कई फंक्शन हैं बट दैट ऑल विल डिस्कस इन सेंसरी ऑर्गन कि किस तरीके से गस्टेशन टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और भी कई यूज हैं इनके, डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिलास होते हैं, बट दैट ऑल विल डिस्कस लेटर। बट यहाँ पे फेरेंजियल पार्ट के अंदर ये पैपिलास नहीं होते हैं, रैदर उसकी जगह पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो कि कलेक्टिवली लिंगुअल टॉन्सिल बनाते हैं। जीभ के अंदर प्रेजेंट टॉन्सिल जो होते हैं वो हमारे फेरेंजियल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब भी हम फूड को लेते हैं तो उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को किसी तरीके से नुकसान ना पहुँचाए उसके लिए इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो लिंगुअल टॉन्सिल से प्रोवाइड होता है। सो यहाँ होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो सल्कस टर्मिनालिस इस ओरल पार्ट को फेरेंजियल पार्ट से सेपरेट करता है और ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, अप टू द पैलेटोग्लॉसल आर्क, क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है, पैलेटोग्लॉसल
आर्क। नाउ इस फेरेंजियल पार्ट के पोस्टीरियरली ये जो पार्ट दिख रहे हैं जिसके अंदर थ्री म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं, थ्री म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, मीडियल एंड टू लैटरल राइट एंड लेफ्ट, ग्लॉसो एपिग्लॉटिस फोल्ड, मीडियल ग्लॉसो एपिग्लॉटिस फोल्ड एंड लैटरल राइट एंड लेफ्ट ग्लॉसो एपिग्लॉटिस फोल्ड। ये बेसिकली फेरेंजियल पार्ट के भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है और इसे बेस ऑफ द टंग माना जाता है। और ऑल टुगेदर ये जो पार्ट है ये ओरोफेरिंग्स का एंटीरियर वॉल बनाने में हेल्प करती है, ये म्यूकोजल फोल्ड्स। ओके, एंड इस मीडियल एंड लैटरल के बीच में दोनों तरफ कुछ डिप्रेस्ड एरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं वैलिक्यूला। तो ये पार्ट था डॉर्सम, ओके, टंग के अंदर। और जो इन्फीरियर सरफेस होता है वो एक म्यूकोजल फोल्ड के जरिए फ्लोर से अटैच होता है। एंड लिंगुअल फ्रेनुलम जिसे बोलते हैं, जो कि म्यूकोजल फोल्ड होती है जो कि टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ से अटैच करने में हेल्प करती है। एंड उसके दोनों तरफ डीप लिंगुअल वेन्स प्रेजेंट होती है जो कि एलिवेटेड रहती हैं, प्रोमिनेंट रहती हैं। ओके, नाउ यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये टंग का कोरोनल सेक्शन है, मींस फ्रंटल सेक्शन। जब हम टंग को डिसेक्ट करते हैं तो डिसेक्ट होने के बाद में फ्रंट और बैक कैसे देखते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड कोरोनल सेक्शन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टंग के अंदर बेसिकली फोर पेयर ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फोर मसल्स होती है जो कि इंट्रिंसिक होती है, इंट्रिंसिक मीन्स उनका ओरिजिनेशन और इंसर्शन टंग के अंदर ही होता है, टंग से इंसर्ट होती है, टंग से ही ओरिजिनेट होती है, टंग में ही इंसर्ट होती है। ओके, बट एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती हैं वो टंग के बाहर से ओरिजिनेट होती है, बोन्स से, एंड वो टंग के अंदर इंसर्ट होती हैं। ओके, एक्सट्रिंसिक मसल्स बोन से ओरिजिनेट होती है और टंग के अंदर इंसर्ट होती है, और एक्सट्रिंसिक मसल्स भी फोर पेयर्ड होती है। एक्सट्रिंसिक मसल्स मेनली टंग की पोजिशन चेंज करने में हेल्प करता है, यू कैन रिट्रैक्ट योर टंग, डिप्रेस योर टंग, ओके, एलिवेट योर टंग, सो पोजिशन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सट्रिंसिक मसल। दूसरी होती है इंट्रिंसिक मसल जो कि फोर पेयर होती है, जो कि टंग के अंदर ही ओरिजिनेट होती है और टंग के अंदर ही इंसर्ट होती है। ओके, और उनका काम क्या है, टंग की शेप को चेंज करना, बिकॉज टंग हमारी बॉडी में कई फंक्शंस को प्ले करता है, लाइक च्यू करने में हेल्प करता है क्योंकि टंग ही है जो कि फूड को प्रोपेल करता है और दांतों के बीच में लेके आता है जिससे हम प्रॉपरली इसे मिक्सअप करते हैं। टंग ही है जिसके कारण हम स्पीच कर पाते हैं जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। सो वेरियस मॉड्यूलेशन के लिए भी टंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और ना केवल ये वेरजन टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस भी तरीके का टेस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं वो बिकॉज ऑफ टंग ही है। एंड जब प्रॉपरली फूड के साथ फूड जो है इस माउथ के अंदर मिक्सअप हो जाता है सलाइवा के साथ, तो टंग ही है जो कि फूड को क्या करता है, प्रोपेल करता है, बैक ऑफ माउथ में पहुंचाने का काम करता है। सो अगेन टंग के मूवमेंट से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, और ये मूवमेंट किस वजह से हो पाते हैं सारे जो भी इन फंक्शंस को प्ले करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज ऑल मसल्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स। सो लेट्स सी कौन कौन से इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स है। फर्स्ट इंट्रिंसिक मसल्स, सो यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट इन्फीरियर टू द म्यूकोजल लाइनिंग जो यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स होती है उसे बोलते हैं सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल। ओके, दिस इज द फाइब्रस सेप्टा, मिडिल सेप्टा, जो कि यहाँ पे हमने देखा था कि टंग को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। नाउ इस सेप्टा की दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है, जस्ट बीनीथ नीचे म्यूकोजल मेम्ब्रेन की, वो है सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल। देन ट्रांसवर्स मसल जो कि इस सेप्टा से अटैच होती है और मार्जिन ऑफ टंग तक जाती है, ट्रांसवर्स मसल्स, दिस एंड दिस। देन वर्टिकल मसल्स, वर्टिकल मसल जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग पे होती है और ये बॉर्डर पे होती है। ओके, देन इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल जो कि जेनियोग्लॉसिस एंड हायोग्लॉसिस मसल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ओके, इन्फीरियर जो कि एक तरीके से टंग के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे होती है, नीचे की ओर होती है, जैसे कि ये सुपीरियर में है तो ये नीचे की ओर है। सो दीज आर द फोर पेयर ऑफ इंट्रिंसिक मसल जिनका ओरिजिनेशन एंड इंसर्शन टंग के अंदर ही होता है, एंड टंग की शेप को चेंज करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इसके बाद आती है एक्सट्रिंसिक मसल जिनका ओरिजिनेशन बोन से होता है और टंग के टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इंसर्ट होती है।
सो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है जेनियोग्लॉसिस, दिस एंड दिस, ये दोनों, जो कि जिनका ओरिजिनेशन होता है मैंडिबल. जेनियो मीन्स मैंडिबल, मैंडिबल से ओरिजिनेट होती है और टंग की कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंसर्ट होती है. जेनियोग्लॉसिस. ओके, देन स्टाइलोग्लॉसिस, दिस एंड दिस, जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होती है एंड टंग के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंसर्ट होती है. हायोग्लॉसिस, जो कि हायोइड बोन जो होती है उससे ओरिजिनेट होती है एंड देन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टंग के अंदर इंसर्ट होती है. एंड वन मोर इज पैलेटोग्लॉसिस, यानी जो कि पैलेटाइन आर्क और वहाँ से ओरिजिनेट होती है पैलेटाइन बोन एंड देन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टंग के अंदर इंसर्ट होती है. सो दीज आर दी फोर एक्सट्रिंसिक मसल्स, जो कि बोन से ओरिजिनेट होती है और टंग की कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंसर्ट होती है. ओके, सो दिस इज द कोरोनल सेक्शन, जिसमें हम वेरियस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स को आइडेंटिफाई कर पाए यहाँ पे, जो कि टंग की शेप को अल्टर करने में हेल्प करता है, टंग की पोजिशन को चेंज करने में मदद करता है. सो दीज आर द मसल्स जो कि टंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए हमने देखा कि जो टंग है, डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या, एसेसरी ऑर्गन या फिर सेंसरी ऑर्गन, इसकी बनावट क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड ये कौन कौन सी मसल से मिलके बना हुआ होता है. थैंक यू.